नमस्कार दोस्तों, विपिसी टेक माइंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप भी किसी फोटो का जो है बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खूब सारी एप्लीकेशनें डाउनलोड करनी पड़ती हैं और उसमें खूब सारी घंटों मेहनत लगती है, फिर जाके कोई प्रॉपर वो बैकग्राउंड रिमूव होता है। लेकिन दोस्तों, उसमें भी प्रॉपरली बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपको एक ऐसी बताऊंगा जिसकी मदद से सिर्फ आप एक क्लिक के अंदर दोस्तों आप अपने फोन के अंदर जितने भी फोटो कैसे भी फोटो उसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक के अंदर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फोटो जो है एकदम से इस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। ये जो बैकग्राउंड है इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा सिर्फ एक क्लिक के अंदर। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक क्लिक करना है और आपकी फोटो का बैकग्राउंड जो है एकदम से रिमूव हो जाएगा और आप अपनी फोटो को साथ ही में एडिट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हैं ये सब आप किस प्रकार से कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा, जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है इसको दबाकर इस ऑल पे आपको जरूर से क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे आपको लिखना है बैकग्राउंड रिमूव। लिखने के बाद यहाँ से आपको इसे सेंड कर देना है। तो दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि आप किस प्रकार से सिर्फ एक क्लिक के अंदर किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चले जाइए। मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सीधा अपने ब्राउजर में सर्च करना है रिमूव बीजी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे RemoveBG यहाँ पे ये सर्च करना है। तो जैसे आप सर्च करेंगे जो वेबसाइट आएगी पहली उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों कुछ पेम्पलेट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे आप देखिए कुछ इस प्रकार से ये रिमूव होंगे और साथ में एडिट करना भी बताऊंगा दोस्तों आपको, एकदम से एक नंबर की फोटो आपकी एडिट हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपलोड इमेज पे जाना है और यहाँ से जो आपकी फोटो है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से एक फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फोटो सेलेक्ट कर लिया और ये अपलोडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, आप इसका देखेंगे जो इसका बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। तो आप देखेंगे दोस्तों एक एक बाल यहाँ से रिमूव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वेबसाइट की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ये आपको फुल HD के अंदर इमेज जो है वो आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ आपको यहाँ पे HD में करने के लिए आपको थोड़ा सा पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें भी हमारा काम चल जाएगा, यहाँ से आप इस फोटो को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी फोटो भी है वो जो है डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ दोस्तों आपकी फोटो भी डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे एडिट करना है इस फोटो को, तो एडिट पे आपको जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप देखिए इसके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसके बैकग्राउंड में कुछ भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बैकग्राउंड में यहाँ इसके ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पे ये वाली फोटो भी आ चुकी है। तो आप भी अपनी फोटो यहाँ पे लगा के कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दो आप नीचे और जाओगे तो यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे, कलर वाले भी, जो आपको मनपसंद कलर है वो कलर भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको खूब सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर दोस्तों, आपको यहाँ से इसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है और आपकी फ़ोटो जो है यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे PNG फोटो आपको हो चुकी है डाउनलोड और पीछे बैकग्राउंड वाला भी यहाँ पे हो चुका है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बहुत ही गजब की ये वेबसाइट है। तो दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा।